सो गाइस कैसे आप सभी, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉप्स एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे 24 जुलाई 2016 के एमपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर की। फर्स्ट रिसेप्ट वाला जो पेपर हुआ था वो वाले क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराऊंगा। जैसा कि हम रेगुलरली आपको ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये सारे वीडियोस आप जरूर देखें अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो, या फिर एमपी एसआई की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसके अलावा एमपी जीके हिंदी मैथ्स ज्योग्राफी एग्जाम नोटिफिकेशन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो वीडियो जरूर देखें अगर आप सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, जब थीटा न्यून कोण हो, थीटा जो हो वो न्यून कोण हो यानी कि लेस देन 90 डिग्री। तो थीटा जो है, थीटा का मान 90 डिग्री से कम होना चाहिए। जब थीटा न्यून कोण हो तो वो कह रहा कोसेक थीटा का न्यूनतम मान लिया जा सकता है। कोसेक थीटा की बात कर रहे हैं, इसका न्यूनतम मान क्या होगा? तो यहाँ पर इसका न्यूनतम मान जो है, यहाँ पर आप न्यून कोण को 0 डिग्री तो रख नहीं सकता, अगर 0 डिग्री रखेंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं रख सकते और उससे ऊपर का जो मान जो भी है उसमें इसका सबसे न्यूनतम जो मान रहेगा, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 जो है इसका सबसे न्यूनतम मान रहेगा जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है उसमें। हालांकि इसमें मान लीजिए यहाँ पर √2 भी रहता है, कोसेक 30 डिग्री का मान √2 वो भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर आपका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एबी बराबर बीसी बराबर सीडी बराबर एडी बराबर 9 सेंटीमीटर, मतलब चारों भुजाओं की लंबाई देती है 9 सेंटीमीटर। अब 9 सेंटीमीटर वो हमसे कह रहा परिमाप ज्ञात करें, ततो परिमाप के क्या करेंगे हम 9 × 4 कर देंगे, 36 सेंटीमीटर का परिमाप आ जाएगा। पूरी जो बॉर्डर है, पूरी बॉर्डर की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अगला क्वेश्चन है कि एक कोण जिसका माप 180 डिग्री से अधिक है वो क्या कहलाता है, 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए वो कोण क्या कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है रिजु कोण, प्रतिवर्त कोण, लंब कोण, अधिक कोण। तो आपको लंब कोण अधिक कोण तो याद होगा मोस्टली, लेकिन रिजु कोण प्रतिवर्त कोण में आपको हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूजन हो, तो इसको प्रतिवर्त कोण कहा जाता है। जो कोण 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में रहे उसे प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है, जो कोण 180 डिग्री रहे उसे रिजु कोण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता दिया करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। इसके अलावा आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो वो मुझे आप शेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लॉग 10, आपको कौन सी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए उस हिसाब से, या फिर आपको अदर चीजें भी कुछ सीखनी है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग वगैरह सीखनी है, तो वो उससे रिलेटेड वीडियोस की कुछ क्लिप्स मैं इंस्टाग्राम पर डालता हूँ, तो वहां भी आपको अलग अलग चीजें सीखने को मिलेगी। लॉग 10 2 = 0.3010 है, तो आपको लॉग 10 80 का मान यहाँ पर निकालना है। सिंपली देखिए क्या है, लॉग 10 80 है, तो अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 10 × 8 में डिवाइड कर सकते हैं। लॉग की जो प्रॉपर्टी है वो है कि भैया लॉग में इनटू में रहे और दोनों में लॉग करना है, तो लॉग 10 प्लस लॉग 8 हो जाएगा। अब इस 8 को हम 2 to the power 3 कर देंगे, यहाँ पर ये और ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम रहेगा, तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस लॉग 10 to the power 3 है तो 3 जो है इधर आ जाएगा क्योंकि a की पावर n है, तो 3 log 10 to the power 2 आ जाएगा। इसका मान हमारे पास ये है इसे, तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 0.3010, यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 का 0 0, 3 का 3 फिर 0 फिर 3 9, ये दशमलव, ये हो जाएगा 1.903 आपका आंसर आ रहा है।
अगला क्वेश्चन है, एबीसी ने 520 रुपए में एक कार किराए पर ली, कितने रुपए में ली? 520 रुपए में। इसमें इन्होंने क्रमशः कितने कितने घंटे चलाए इसको? 7 घंटे चलाई, 8 घंटे चलाई और 11 घंटे चलाई। और अब ये कह रहा है कि बी द्वारा कितना भुगतान किया जाएगा, तो बी द्वारा कितना भुगतान किया जाएगा? इसी अनुपात में इन्होंने चलाई, तो इसी अनुपात में ये भुगतान करेंगे। हम 520 में इनको जोड़ लेंगे तो 8, 7, 15 और 11, 26 हो गए, और इंटू यहाँ पर बी का जो हिस्सा वो कितना 8 है, 26 × 52 = 8 × 16 160 रुपए का इसको पे करना पड़ेगा सामने वाले को। देखिए अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो इसके जो बेसिक मैंने करवाए हैं, चैप्टर सॉल्व करवाए हैं मैथ्स के, वो वीडियोस देख लें, वहां पर आपको क्लासेस है, उसमें समझ में आ जाएगा, बेसिक समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा PQ है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से एक लंब OR PQ पर डाला जाता है जो कि PQ से R पर मिलता है, OR की लंबाई याद कीजिए। सिंपल देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आप बिना कुछ भी किए इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त की जीवा हो गई जिसकी लंबाई वो कह रहा 8 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया। वृत्त की त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर है, वृत्त का केंद्र O है और जीवा PQ है और इस पे O R लंब डाला गया है। अब जब यहां पर आपको दिख रहा है समकोण त्रिभुज आ गया है, यहां पर आपको OR की लंबाई याद करनी है, कर्ण का स्क्वायर है, आधार का स्क्वायर आपके पास, लंब निकालना आपको, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 − 4 = 16, अंडररूट में यहाँ पर अंडररूट में 9 रहेगा तो कितना रहेगा? 3 सेंटीमीटर आ जाएगा OR की लंबाई। जब 5 और 4 दो भुजाओं की लंबाई रहे तो तीसरी भुजा की लंबाई 3 आती है। अगला क्वेश्चन है, त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्र, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल इज इक्वल टू πr² होता है क्षेत्रफल, और बराबर 22/7 × r² × 2.1² ये होगा। यहाँ पर ये पॉइंट हटा, ये पॉइंट हटा, 100 हो गया, यहाँ से कटा तो 3 बार, 2 से कटा 11 बार, 2 से कटा 50 बार, 21 + 63 और 11 में 63 में गुणा करेंगे 11 + 33, 11 × 66 और 3 कितना हो गया 69, 50 का भाग दे देंगे, 50 का भाग कितना हो जाएगा? 50 से कम 50, 19 = 93 हो गया, 193, 50 + 193, 43 बचा, पॉइंट लग गया 430, 5 + 430 बचा 300 हो गया, ये वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल आ गया। चलिए देख लिया करें, अगर आपको क्वेश्चन मतलब यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो पॉज कर ले, समझ ले कि भैया कैसे क्या किया है, क्योंकि यहाँ पर आपका यही आपकी कैपेबिलिटी बढ़ानी है, आपकी स्पीड बढ़ानी है कुल मिलाकर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आप फेसबुक ज्यादा चलाते हैं, यूट्यूब पर चलाते हैं, तो फेसबुक पेज अवेलेबल है हमारा कोप्स एकेडमी, वहां पर भी आपको रेगुलर वीडियोस जो आपको यूट्यूब पर मिलते हैं वही वीडियोस आपको वहां पर भी मिल जाते हैं, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। एक आदमी 5% साधारण ब्याज पर 200 रुपए कर्ज लेता है, r = 5% और वो 200 रुपए का ब्याज लेता है, वो कह रहे एक वर्ष के अंत में 100 रुपए वापिस कर देता है, 100 रुपए उसने लौटा दिए। अब 2 वर्षों के अंत में अपने बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो देखिए, सबसे पहले उसने 200 रुपए दिए 5% दर पर 1 साल के लिए मान लिया हमने, तो उसका ब्याज कितना बना? 5 × 2 = 10 रुपए, ठीक है। अब उसने क्या किया, 100 रुपए तो लौटा दिए, अब उसके 100 रुपए बचे, तो अगले साल 100 रुपए ब्याज लगेगा, तो 100 का 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 5 रुपए। अब 10 और 5 कितने हो गए? 15 रुपए, तो ये लौटाने उसको, वो जो 100 रुपए बचे थे वो लौटाने, 115 रुपए उसको टोटली लौटाने सामने वाले। अगला क्वेश्चन, 90 और 100 के बीच केवल एक अग्र संख्या है, कितनी? एक अग्र संख्या, अग्र संख्या यानी प्राइम नंबर, समझ में नहीं आया अगर उसमें हिंदी में अग्र संख्या तो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, तो एक प्राइम नंबर है वो कौन सी है? ऑप्शन है आपका 91, 93, 97, 99। 91 का प्राइम नंबर है? नहीं है।
13 का इसमें भाग चला जाता है, 93 भी नहीं, 31 का भाग चला जाता है, 97 और 99, 99 भी नहीं है, 97 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 97। अब भाज्य संख्या है, अब ये तो छोटी संख्या हो गई तो हमें पता है कि अल्पसंख्यक का भाग चला है, जब बड़ी संख्या की बात आती है तो तब आप अभाज्य संख्या कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए मैंने एक ट्रिकी वीडियो बनाया है, वो जरूर देखना। निम्नलिखित में पी का मान क्या है, अब यहां पर आपको कुछ दिया हुआ है 8 Q P और 9 दिया हुआ है, इसको जोड़ दिया गया है और इस आपका टोटल इसका योग आया है 13P आया है। यहां पर आपको P का मान निकालने के लिए बोला गया है, तो सिंपली आप यहां पर एक चीज देखिए 9 और Q को जोड़ा गया तो P आया, और P क्या हो सकता है, यहां पर एक Q जो है एक बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो सकती, 9 हो सकती है, 9 हो सकते हैं, हमने मान लिया 9 और 9 को जोड़ दिया 18 आ गया, तो 18 8 हासिल आपका 1 आया। अब 8 और P को जोड़िए, यहाँ पर इस 8 पर ध्यान मत दीजिए, 8 और P को जोड़िए तो 13 आना चाहिए, जबकि एक आपके पास हासिल भी है, यहाँ पर कितना बचा 13 से 12 बचा, 8 और कितना जोड़े की 12 हो गए, 4 जोड़े तो 12, तो पी का मान आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कैसे देखिए, अब यहाँ पर भी आपकी पी का मान 4 रख के देखिए, तो 9 में यहाँ पर कितना जोड़ा होगा, यहाँ पर 5 जोड़ा होगा, तो कितना आया 4 आ गया, एक हासिल भी आ गई, तो पी का मान आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर आपका ये तो हो गया कंप्लीट, अब ये कंप्लीट होने के बाद आपका अगला जो आता है वो है कि सारणी वाला है, है ना, ग्राफ वाला है कि दिया गया वृत्ताकार ग्राफ एक विशिष्ट वर्ष में पाठ्यक्रम के अतिरिक्त विभिन्न कंपनियों के खर्चों को दर्शाता है, तो यहाँ पर इस ग्राफ का यूज करके जो निम्नलिखित क्वेश्चन है उनका आपको आंसर देना है। जैसा कि मैं आपको बताया कि ग्राफ वगैरह के क्वेश्चन जो है पाई चार्ट ग्राफ वगैरह के सबसे लास्ट में किया है, तो अब यहां पर एक लाइन खींच देता हूं, ये आपका ग्राफ बन गया। चलिए ग्राफ बना ही देते हैं 2 मिनट की बाद, इसमें ज्यादा देना है 63 डिग्री 80 डिग्री 50 डिग्री 45 डिग्री 36 डिग्री यहाँ पर 54 डिग्री आपका क्विज हो गया, 63 डिग्री स्पोर्ट्स हो गया, 81 डिग्री एनुअल इवेंट हो गए, 50 डिग्री टीम आउटिंग हो गई, 45 डिग्री टीम लंच हो गया, 36 डिग्री जो कल्चरल हो गया, 31 डिग्री अदर हो गया। ठीक है, अब यहां बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको देख रहा होगा, है ना, आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। पहला क्वेश्चन, संस्कृति की तुलना खेल पर कितना खर्च किया गया, कितना प्रतिशत आ गई, संस्कृति की तुलना में खेल पर कितना अधिक प्रतिशत खर्च किया गया, तो देखिए यहां पर प्रतिशत निकाल लेते हैं, टोटल 360 डिग्री होता है, संस्कृति कितना है 36 डिग्री है, 360 का 36 डिग्री कितना रहेगा 10% रहेगा, खेल कितना आपका भैया स्पोर्ट 63 डिग्री, तो 63 × 100/360 यहाँ पर 0 से 0 काट गया, 9 × 36 हो गया, 9 × 7 = 63 हो गया, सब यहाँ से 2 से 2 कट गए, 5 × 7 = 45/2 नहीं 35/2 तो 17.5%। अब इसकी तुलना में इस पर कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया, देखिए ये 10% है, इसकी तुलना करनी है, तो ये इसके कितना ज्यादा है 7.5%, 10% है, 10 मान लीजिए इसको और ये इसको मान लीजिए 7.5, तो 10 का 7.5 कितना होता है 75% होता है, तो इस पर कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया, खेल पर 75% अधिक खर्च किया गया। चलिए
अगला क्वेश्चन है, यदि वर्ष के दौरान पाठ्यक्रम के अतिरिक्त गतिविधियों पर कुल खर्च 1,80,000 खर्च किया गया, तब टीम आउटिंग पर किया गया खर्च टीम लंच पर हुए खर्च से कितना अधिक है? टीम आउटिंग और टीम लंच, अब यहां पर आपका टीम आउटिंग है, टीम आउटिंग कितना 50 डिग्री, 50 डिग्री को आप 360 डिग्री में डिवाइड कर दें और इसमें 1,80,000 यहां पर आप इस 50 डिग्री इसका पहले तो आप 360 डिग्री इसका 1 डिग्री का मान निकाल लें कि 1 डिग्री का खर्च कितना रहेगा, तो यहां पर 0 से 0 कटेगा, 18 से ये कटेगा कितनी बार, 2 बार, और यहां पर ये कितना आ गया 1 आ गया, और इस ये कट गया कितनी बार 50 बार, तो यहां पर 1,2,1,2 ये आ गया 5,00,000 एक डिग्री का मान। अब आपको 50 डिग्री है तो 5 चौक कितना हो जाएगा 25,00,000, 1,10,000 एक और जीरो में तो कम 25,00,000 होना चाहिए, 1,2,3,4,5 जीरो तो इसी में लगेगी और इसमें भी लगेगी, तो यहां पर इसमें 25,00,000 फिक्स पर खर्च हो गया, टीम आउटिंग पर खर्च हो गया, 50 डिग्री का इसमें गुणा कर दिया हमने, अब यहां पर ये कितना है टीम लंच 45 डिग्री, है 45 का 5 में गुणा कर देंगे 1,2,1,2,3 तो यहां पर कितना हो जाएगा 25 का 5 ऐसे लाया 2,5,24,22 और 1,2,3,4,5 कायदा सैकड़ा 1,10,000,10,00,000 करोड़ यही रहेगा क्योंकि 1,2,3,4,5 जीरो है 10 का भाग आधा हो जाएगा, ठीक है, अब यहां पर ये इसमें 50 में भी तो 1 जीरो है, अब इसी तरह इसकी जीरो एक कम कर देते हैं, जीरो ही इतनी हो गई कि उसमें समझ नहीं आ रहा, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा 22,50,000 इकाई दहाई सैकड़ा 1,10,000,10,00,000 22,50,000 हो गए 22,30 और ये हो गया 25,00,000, 25,00,000 में 22,50,000 घटाएंगे तो यहां पर बचेगा 2,50,000 इकाई दहाई सैकड़ा 1,10,000,00,000 2,50,000 यहां पर बच जाएगा। तो क्वेश्चन था हमारा कि इस पर कितना अधिक खर्च किया गया, तो टीम आउटिंग पर 2,50,000 रुपए अधिक खर्च किया गया। देखिए कुछ गलतियां हो जाती है ना, इसको आप भी ध्यान रखा करें और मैं भी ध्यान रखा करूं, हालांकि गलती हो जाती है लेकिन उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक आयोजन की तुलना में प्रश्नोत्तरी पर कितना प्रतिशत कम खर्च किया गया? अब वार्षिक आयोजन कहां पर है? ये 81 डिग्री, 81 डिग्री जो है वो कितना प्रतिशत रहेगा इसका, 0 से 0 कटेगा, 99, 81, 9, 36, ये 5 बार, ये 2 बार, 9/45/2 तो ये हो गया 22.5%। अब वो कह रहा है दूसरा कौन सा प्रश्नोत्तरी, क्विज है आपका 54 डिग्री, तो 54 डिग्री कितना हो जाएगा आपका, देख लू 18 × 36, 18 × 54, 2 से 8 = 5 बार, 5 × 3 = 15%। वो कह रहा है वार्षिक आयोजन की तुलना में प्रश्नोत्तरी पर कितना प्रतिशत कम खर्च किया, इसकी तुलना में ये देखिए ये जो है इसका कौन सा भाग ये है, मान लीजिए यहां पर 7.5 इसका एक भाग है, तो 7 × 21 और 7.5 का ये 3 भाग हो गए और ये 2 भाग है। अब 100% का एक भाग जो रहता है उसको अगर 100% को 3 भाग में हम बांटे तो 100/3 कितना हो जाएगा, 33.3%, 33.3% इससे इस पर कम खर्च किया गया, ये जो है 3 भाग है और ये 2 भाग है, 2 भाग खर्च किया गया इसमें, 66.3% खर्च किया गया और इतना कम किया गया इस पर खर्च, ये हमारा आंसर रहेगा 33.3%। अगला क्वेश्चन है
कि कुल खर्च 2 करोड़ रुपए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ 2 करोड़ रुपए है, तो वार्षिक आय और खेल की जो राशि है वो कितनी है, संयुक्त राशि। देखिए वार्षिक आयोजन की आपकी 81 डिग्री हो गई, प्लस खेल की राशि हो गई आपकी 63 डिग्री, कितना हो जाएगा ये 144 डिग्री, 144 बटे 360 कर लेंगे और इनटू में आपका हो जाएगा 2 करोड़। संयुक्त की बोला है, बिल्कुल संयुक्त की बोला है। अब यहां से आपका 10 से तो ये 0 कट गया, अब ये 36 से कट जाएगा, 36 दुन 72 दुन 44 चार बार कट जाएगा और ये हो जाएगा 4 दुन 8। अब इसकी जीरो लग जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख 80 लाख रुपए खर्च किए गए खेल और एनुअल इवेंट पर। अगला क्वेश्चन है कि कुल खर्चों का कितना प्रतिशत टीम लंच पर खर्च किया गया, टीम लंच पर कितना प्रतिशत खर्च किया गया। टीम लंच है आपका 45 डिग्री, अब 45 डिग्री का प्रतिशत निकाल दो, देखिए 100 हो गया, ये 360 हो गया, 0 से 0 कट गया, 9, 5, 45 और 9, 6, 36 ये 2 बार, ये 5 बार, 25 बटे 2 हो गया। अब ये इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 सही 1/2% या फिर 12.5%। अब आपका उसमें ये दिया हुआ है 12 सही 1/2 दोनों से, तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। सारे क्वेश्चन इस वाली जो शिफ्ट थी 24 जुलाई वाली शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट से सेकंड शिफ्ट से फर्स्ट शिफ्ट थी है ना, तो फर्स्ट शिफ्ट वाला हमने पेपर कराया था, तो इसके सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।